गुरुवार की शाम फिलतरा औद्योगिक क्षेत्र की साडा एनर्जी फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम में आग लगाकर तापना दो मजदूरों को बहुत भारी पड़ गया। अचानक केमिकल ड्रम ब्लास्ट हुआ और दोनों मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। आनन फानन में मजदूरों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार सिलतरा स्थित साडा एनर्जी फैक्ट्री में काम करने वाले ग्राम न्यूडी निवासी श्रमिक पूनाराम बंजारे और मुकेश तिलक कार्य के दौरान गुरुवार की शाम सर्दी से राहत पाने के लिए 20 लीटर के केमिकल ड्रम जिसमें थोड़ा केमिकल था उसमें आग लगाकर आग ताप रहे थे। आग कम होने पर फिर उसमें थोड़ा केमिकल डाला था क्योंकि ड्रम का ढक्कन ऊपर खुला हुआ नहीं था, लिहाजा गैस बनने से अचानक ड्रम में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के साथ गर्म केमिकल दोनों मजदूरों के शरीर पर छिटका जिससे वे दोनों बुरी तरह झुलस गए। फैक्ट्री के लैब के अनुसार गुरुवार की शाम का बताया जा रहा है। राहुल चौबे, glips.in। For more information, log on to www.glips.in।